हे गाइस, आ चुका है हमारे पास यहाँ पे पोको X3। पोको की तरफ से सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कहा जा रहा है, यूज अब तक मैं कर रहा हूँ। रिव्यू आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आके मोबाइल की अनबॉक्सिंग और रिव्यू आप देख सकते हो। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पांच बहुत ही जबरदस्त फीचर है इस मोबाइल के अंदर जो छुपे हुए हैं, आप लोगों को नहीं पता। टॉप 5 हिडन फीचर्स इन पोको X3 आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पोको X3 ये पूरा वीडियो इसके ऊपर होने वाला है, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है कंट्रोल पैनल का। आपको एक न्यू मिलेगा मोड जिसके अंदर आपको एक अलग ही डिजाइन का लुक मिलेगा। जो पैनल रहता है हमारे यहाँ पे, जो पैनल रहता है इसका, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखेगा कंट्रोल सेंटर, इस पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो आ रहा है यूज न्यू कंट्रोल सेंटर, ये पहले से इनेबल नहीं रहता, इसको आप लोग इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अगर आप कैमरे के इस साइड लेफ्ट साइड में अगर आप नीचे करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, और अगर कैमरे के राइट साइड में से स्वाइप अप स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू कंट्रोल पैनल, जो काफी कमाल दिखता है। आप देख ही सकते हो यहाँ पे एकदम अलग सा आईफोन जैसा लुक दे रहा है और यूनिक भी है अपने में ही एक अलग से। तो ये था पहला फीचर। तो जो मैं दूसरा आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले में ही जाना है दोबारा से, और ये बहुत ही कमाल का है, ये है रिफ्रेश रेट जो सिर्फ इस प्राइस सेगमेंट में सिर्फ पोको X3 आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि है 120 हर्ट्ज, जिसमें आपकी रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, पिक्चर क्वालिटी और गेमिंग का आपका एक्सपीरियंस बदल जाएगा। और स्क्रीन पे शायद से आप लोगों को ना दिख पा रहा हो पर बहुत फर्क है, 120 और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये इनेबल नहीं रहता है, इसको आप इनेबल कर सकते हो सेटिंग्स में जाने के बाद। डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट में आप इसको चेंज कर सकते हो। ये बैटरी थोड़ी ज़्यादा लेता है 120 हर्ट्ज वाला, पर क्वालिटी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा और आपको फील भी होगा कि आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो इस बजट के अंदर। तीसरा जो बहुत ही कमाल का है वो ये है कि जैसे आप लोगों के स्पीकर में कई बार गंदगी फंस जाती है, धूल में गिर जाता है, मिट्टी में गिर जाता है, पानी में गिर जाता है, वैसे तो ये वाटर स्प्लैश प्रूफ है। IPV53 रेटिंग मिली है इस मोबाइल को, पूरी तरह वाटर प्रूफ नहीं है, पर अगर आप एक्सीडेंटल स्प्लैशेस ये बचा सकते हैं आपके मोबाइल को और डैमेज होने से बचा सकता है। पर कई बार ऐसा हो जाता है गंदगी स्पीकर्स में, ये ऊपर स्पीकर है और नीचे स्पीकर है, यहाँ अटक जाती है। इसको क्लीन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर इन लोगों ने इनबिल्ट फीचर दिया है जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को नीचे आना है, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे आना है। एडिशनल सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर स्पीकर, इस पे आप क्लिक करोगे और 30 सेकंड के लिए एक ऐसा साउंड प्ले होगा जिससे आपका स्पीकर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, धूल जो भी अंदर कचरा रहेगा वो सब एकदम साफ हो जाएगा। मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कैसी आवाज आती है। तो अब मैं जल्दी से आपको चौथा फीचर बता देता हूँ जो बहुत कमाल का है और वो काफी लोगों को नहीं मिल पाता है। उसके लिए अभी आप लोगों को सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप लोगों को नीचे आते रहना है, आते रहना है, आते रहना, और यहाँ आपको मिलेगा स्पेशल फीचर्स, देख सकते हो यहाँ पे स्पेशल फीचर्स, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके अंदर आप लोगों को कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसके अंदर सबसे पहले जो हम बात करने वाले वो है गेम टर्बो के बारे में। गेम टर्बो ये वैसे तो हर मोबाइल में होता है, इसके अंदर भी है, इनका वाला थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम है तो उसके हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आप अपना गेम ऐड कर सकते हो, कोई भी गेम या ऐप जो सपोर्ट करता है टर्बो को, तो जैसे अमंग अस हमने ऐड कर लिया है यहाँ पे, और ऐड करने के बाद अगर हम इससे ओपन करेंगे तो गेम का एक अलग ही परफॉर्मेंस मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है गेम इज बूस्टेड बाय टर्बो, अलग ही परफॉर्मेंस, एकदम फास्ट, देख रहे हो एक क्लिक में ओपन हो रहा है एकदम फास्ट फास्ट सा, ये देख रहे हो, क्योंकि ये अब गेमिंग यहाँ पे चालू है मोड उसका, उसकी वजह से ये हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बता रहा है कि एंड्रॉयड का सिस्टम वो चल रहा है। तो ये है चौथा। पांचवा और आखिरी सबसे हैरान करने वाला मैं आपको फीचर बताने वाला हूँ जो बहुत ही कम मोबाइल में मिलता है, वो है सेकंड स्पेस। अगर आप लोग इसको नहीं जानते हो तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। एक तरीके से मल्टी विंडो लगा लो, जैसे आप पीसी के अंदर एक साथ दो विंडो चला सकते हो, उसी तरह इसके अंदर भी सेकंड स्पेस के अंदर आप अपनी पर्सनल चीज़ें जो आप चाहते हो कोई और ना देखे आपके अलावा,
आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने भी कर रखी है यहाँ पे। यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करने के लिए बोलता है, मैं अपना पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करने के बाद ये स्विचिंग दिखा रहा है एक डिवाइस पर दो, ये तो यहाँ पे ये हो चुका है, दूसरे स्पेस में आ चुका है। यहाँ पे जो भी रहेगा जैसे इंस्टाग्राम हो गया, इन सब के मैसेज यहाँ पे आते रहेंगे मेरे, फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब हो गए यहाँ पे, तो वो छुपे रहेंगे, कोई नहीं उन्हें देख सकता। गैलरी के अंदर भी वही रहेगा जो यहाँ पे ऐड करा हुआ है। तो ये वीडियो यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, रुको रुको दो मिनट रुको, एक बोनस फीचर बताता जा रहा हूँ, बहुत ही कमाल का फीचर है, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। पर वैसे बता देता हूँ इसकी स्पेशलिटी इस मोबाइल की जो मेरे को काफी अच्छी लगी। मेरे मोबाइल में ट्रू कॉलर नहीं है, पर फिर भी जैसे ये सिद्धार्थ यामा है, मैंने नेट से इसका नंबर लिया है, अगर मैं इसे कॉल करूं और कॉल करने पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर सेव नहीं है, पर कॉल करने पे जैसे ही मैं इस नंबर पे कॉल करूंगा ये अपने आप ही उसका नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो नाम आ चुका है, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सेव दिखा रहा है एज अ सेव, ये हो चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये दिखा रहा है, पूरा एड्रेस भी दिखा रहा है उसका, और यहाँ पे सेव हो चुका है सिद्धार्थ यामाहा है, और वेबसाइट का लिंक भी आ चुका है। तो ये काफी कमाल का फीचर था, और भी ऐसे इसके रिलेटेड मैं लाता रहूंगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक जरूर दबाना।